जोहार, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष और मैं हूं आपके साथ आकाश नाथकर। आज हम पहुंचे हैं झारखंड के रांची स्थित रांची विमेंस कॉलेज। यहां सरहुल पूर्व संध्या पर कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और इसी कड़ी में आज विमेंस कॉलेज पे जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, यहाँ बहुत तरह के जो कल्चर सांस्कृतिक प्रोग्राम है जो ट्राइबल पे आधारित है वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और विभिन्न तरह के जो मुंडा हो, नागपुरी, इस तरह के अलग अलग थीम पर अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रकृति की पूजा है। प्रकृति सबसे बड़ा चीज़ है, प्रकृति से तुम नहीं लड़ सकते हो। अगर तुम प्रकृति में पहाड़ है, नदी है, जंगल है, हम उनका कंजर्वेशन करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं और उस संरक्षण के लिए एक फेस्टिवल के रूप में माना जाता है। कब मनाते हैं? चैत के तृतीया को, जो 24 तारीख को आ रहा है। आज के पूर्व संध्या पे सबसे पहले मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, झारखंड के वासियों को अपने ओर से, रांची विश्वविद्यालय की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है ये और इस फेस्टिवल की सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें हम सारे आदिवासी, नॉन आदिवासी, जंगलवासी सब लोग एक हो जाते हैं और इतना बड़ा खुद फील कर रहे होंगे कि इतना बड़ा त्यौहार का माहौल बन जाता है जितना बड़ा त्यौहार का माहौल हमारे दिवाली में या दशहरा में नहीं बनता। ऐसा माहौल बन जाता है, लोग नाचते हैं, गाते हैं, खुशी मनाते हैं, यही है इसका सबसे बड़ी चीज़। तो हमारे साथ है इंग्लिश डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर सीमा प्रसाद, तब इनसे जानेंगे नागपुरी पर सरहुल पर क्या खास है। सरहुल जे हमरे मनकर झारखंड का त्यौहार है, ये प्रकृति का त्यौहार है और हमरे इस प्रकृति का त्यौहार में प्रकृति के कैसे बचाए कर है सेकर बारे में हमरे प्रोग्राम कह रही आज के सब कुछ। यहाँ जे जे हमरे प्रयोग कह रही सखुआ पतई, सरई सरई फूल, पलास फूल, आम कर पतई, अशोक कर पतई और प्रसादी मन भी यहाँ कर जे एकदम लोकल हमर पकवान है, अरसा पीठा, गुड़ पीठा और मड़ुआ पीठा बन रहे प्रसाद में और छुआ मन सब बहुत सुंदर तैयारी कर लें और पूर्व संध्या पर बहुत ही सुंदर इमन कार्यक्रम कर लें और संदेश दे लें कि हम मन हमरे मन के प्रकृति कर बचाए कर है अगर हमरे मानव जीवन के और बचाए कर चाहती तो। क्योंकि हम लोग जो आज हैं वो प्रकृति से ही हैं, क्योंकि यहाँ से ही हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, हम लोग को खाने के लिए मिलता है, हम लोग को देखे तो अगर प्राचीन काल से ही देखे तो अगर देखे तो उस समय से ये पहनने के काम में आता था, फिर खाने के काम में आने लगा, फल मिलता है इसे, वेजिटेबल्स मिलता है, हम लोग को ग्रेन सारा मिलता है और हम लोग बोले तो अगर हम लोग सांस ले रहे तो आज प्रकृति के कारण ही ले रहे हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी कि इसका हम लोग संरक्षण करें और बचाएँ। तो आइए जानते हैं सरहुल पर छात्रों की राय क्या है, क्या कहना चाहेंगे सरहुल पर? ये जो है चाहिए प्राकृतिक, सरहुल जो है हमारा प्राकृतिक, ये झारखंड का ये प्राकृतिक त्यौहार है जो हम पूरे कॉलेज में बहुत ही अच्छी तरह से मना रहे हैं और ये सब इसके लिए हम लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे। ये हमारा प्राकृतिक त्यौहार जो पूरा झारखंड में मनाया जाता है और ये सबसे बड़ा त्यौहार है झारखंड का और इसके लिए हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करके आए हैं, बहुत दिन से इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड थे हम लोग। ये बहुत सारे डिपार्टमेंट की लड़कियां अलग अलग प्रोग्राम झारखंड के बारे में, कुड़ुक, नागपुरी, कोरठा, ऐसे ऐसे बहुत प्रकार के डांस यहाँ प्रस्तुत की हुई है और इसमें बहुत ही अच्छा, हम लोग बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमें ये सब भाग लेने का मौका मिल रहा है हमें यहाँ ये प्रोग्राम में। ये आदिवासियों का बहुत बड़ा त्यौहार है लेकिन झारखंड में सभी को मनाते हैं। सखुआ फूल जिनकी पूजा वूजा होता है उसके बाद लगाया जाता है।
की।